राजस्थान में आज सुबह 131 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 4 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। राज्य में अब तक कुल 5,84,000 से ज्यादा सैंपल जांचे गए, कुल 12,532 पॉजिटिव मिले। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं, यहां 2,522 संक्रमित हैं। राजस्थान में रविवार सुबह कोरोना के 131 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें धौलपुर में 40, भरतपुर में 34, जयपुर में 15, अलवर में 12, बीकानेर में 9, नागौर में 5, दौसा और सवाई माधोपुर में 3-3, उदयपुर में 2, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और करौली में 1-1 पॉजिटिव मिला। वहीं राज्य के बाहर से आए 4 लोग भी संक्रमित मिले। इसके अलावा कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,532 पहुंच गया। 4 मरीजों की मौत भी हुई है, इनमें भरतपुर में 2, गंगानगर और जयपुर में 1-1 की जान गई। राज्य में कुल 286 मरीजों की मौत हुई है। जयपुर में भारी वाहनों की अब रात में भी नो एंट्री रहेगी। जिन भारी वाहनों को शहर में आना है उनके लिए पुलिस परमिशन जरूरी होगी। ऐसे में अब रात को टोंक रोड, अजमेर रोड पर 200 फीट, सीकर रोड पर रोड नंबर 12, दिल्ली और आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर से शहर की तरफ रात को आने वाले बाहरी वाहन भी बंद रहेंगे। संसार चंद रोड पर भी बाहरी वाहन नहीं आ सकेंगे। केवल झोटवाड़ा, विश्वकर्मा, दुर्गापुरा और मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र में अनुमति के समय में वाहन बिना पास के आ जा सकेंगे। केवल सेना, पुलिस और राजकीय उपक्रमों के वाहन, अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन पुलिस से परमिशन लेकर आने वाले बाहरी वाहन की शहर में आ सकेंगे। अजमेर में पॉजिटिव युवक ने सैलून में दाढ़ी बनवाई, रेस्टोरेंट में चाय भी पी। ब्यावर एसपीआई की मुख्य शाखा के जिस स्टाफ की रिपोर्ट शनिवार को कोरोना पॉजिटिव आई। वह अस्पताल आने के पहले पुराना मसूड़ा रोड स्थित एक सैलून में दाढ़ी बनवाने गया था, वहीं एक रेस्टोरेंट में चाय भी पी थी। उस समय सैलून में कई लोग मौजूद थे। चिकित्सा विभाग अब सैलून और रेस्टोरेंट संचालक से पूछताछ कर रहा है। कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आने वालों की जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष टीम बनाई है। पॉजिटिव बैंक कर्मी ब्यावर मसूदा रोड निवासी है और ब्यावर एसबीआई की मुख्य शाखा में कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।